भाई रजा के साथ लंच करके मुझे एहसास हुआ कि अम्मा से गलत फहमी हुई। रजा और उसके माँ बाप बुरे लोग नहीं है। लेकिन अम्मा तो समझती कि वो लोग बहुत लालची हैं। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है देवा। देखो वो कब से ऑफिस में काम कर रहा है और मैंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। देखो अबिया और ईशाल की शादी के सारे इंतजाम उसी ने किए हैं और सारा हिसाब किताब लिख कर लाता था और ये भी कह रहा था कि आयजा की शादी के सारे बंदोबस्त वो खुद करेगा और मुझे कह रहा था कि मैं रिलैक्स करूं कोई टेंशन ना लूं। तो फिर क्या करें? आप अगर कहते हैं तो मैं अम्मा से बात करती हूँ। नहीं नहीं मैं करूंगा उनसे बात। देखो अगर वो कायल हो गई ना तो फिर दोनों बच्चों की शादी एक साथ करें। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to AIRY Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.